इतना ज्यादा रश था, मुझे तो ऐसा लग रहा था नॉर्मल डेज से ज्यादा भी आज रश था। लोग प्रिकॉशंस भी नहीं ले रहे थे क्योंकि आज तो मुझे कुछ ज्यादा ही रश लगा, पता नहीं क्यों। 350 में Hey guys, welcome to my channel. Thank you so much for joining in another vlog. It's so good to say this again. So I am back on my seat, and जब भी मैं सीट पे वापस आती हूँ, you know that what we are going to do by now. So yes, हम जा रहे हैं चंडीगढ़, और लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन से पहले, I think it's being more than 1 year that now I'm going to Sector 22. So lockdown के बाद की क्या situation है, we gonna see that. And mask पहनना थोड़ा जरूरी है तो mask पहन लेते हैं और चलते हैं Sector 22 और देखते हैं कि lockdown की वजह से कोई change हुआ या नहीं, festive season है, all that jazz, we gonna see that. And yeah, so let's go and see Sector 22 Chandigarh. सो हम पहुंच गए हैं अरोमा की लाइटें, इधर मेरे राइट साइड लेफ्ट साइड पर है 22D. आई रिमेम्बर जब मैं चंडीगढ़ पहली बार आई थी तो मैंने अपना जो पीजी लिया था आज से लाइक 10 साल पहले, आई बिलीव वो सेक्टर 22D में लिया था, विच इज हियर लाइक देयर, दिस इज द चौक और वो रहा अरोमा, और वो रहा अरोमा, दैट्स क्वाइट पॉपुलर यू नो पॉइंट, ये रहा सामने, और सामने ही इसके 22D था. फील्स नॉस्टैल्जिक, वेरी नाइस. ओ गॉड, कितने सारे आउटलेट आ गए यार इतने ना. ओ गॉड, रश देख लो, हमें यहाँ पार्किंग नहीं मिली है. 22 का पार्किंग स्पेस इधर है, ये वाला सारा पार्किंग एरिया, इफ यू कैन सी, यहाँ पर तो हमें जगह नहीं मिली है. तो इसके बैक साइड पर भी एक पार्किंग है, जगह है लाइक एन ओपन पार्क और सो, विच इज नॉट लाइक एग्जैक्टली पार्किंग पार्किंग, बट या पार्क पार्किंग है. तो वहाँ देखते हैं अभी अगर पार्किंग मिल जाती है तो. सो गाइस, स्टेटस ये है, निकाल लो बहुत जगह उधर, पार्किंग नहीं मिल रही है, विच इज द मेन टास्क, रश इतना ज्यादा है. मे बी आज संडे है, फेस्टिव डेज है, नो इफेक्ट ऑफ कोरोना गाइस. बड़ी मुश्किल के बाद पार्किंग कर दी है, अब चलते हैं सेक्टर 22 और देखते हैं व्हाट इट इज ऑल अबाउट. सो या आई एम एक्साइटेड, सेफ्टी प्रिकॉशंस पूरे लेंगे, कोशिश करेंगे कि ज्यादा भीड़ में ना जाएं, सैनिटाइजर भी लगा लिया है, सो लेट्स गो. ओके गाइस, सो जैसे ही हमने सेक्टर 22 में एंटर किया, एंटर करते ही जो इस सेक्टर की ब्यूटी थी, या कह लो कि जो सेक्टर का मैक्सिमम सेलिंग एरिया था, वो था ये सारा एरिया जहाँ पर अभी आपको कार्स दिख रही हैं. ये कॉरिडोर एरिया पे पहले बहुत सारे छोटे वेंडर्स और बहुत ही सस्ता सामान लेके बैठे होते थे, जैसे अफड़ी वाले हो गए, या फिर ओपन जिन्होंने सामान रखा होता था, जूता चप्पल इयर रिंग्स, बहुत सारे लोग ऐसे ही नीचे कॉरिडोर में अपना फड़ी वगैरह लगा के बैठे होते थे, जो कि अब इस टाइम पर मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखा. ऑल्सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट जैसे जैसे हम अंदर गए, क्राउड बढ़ता ही गया, इतना ज़्यादा क्राउड था. आई वॉज सरप्राइज्ड कि कोरोना के टाइम पर भी, या फिर कह लीजिए कि अभी लॉकडाउन की सिचुएशन थी, इस सब सिचुएशन के बाद भी मतलब इतना ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था. बेसिकली आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, मैं तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी एक्चुअली, मैं ज़्यादा अंदर गई भी नहीं, मैंने ज़्यादा जगह कोई ट्राई आउट भी नहीं करी, दूर दूर से जहाँ मुझे दिखा कि लोग नहीं, जहाँ कम है मैंने वहीं पर कुछ देखना पसंद किया. यूजली हमने आई थिंक हार्डली हाफ एन आवर अंदर लगाया होगा जस्ट टू एक्सप्लोर द थिंग्स,
बट अगर मैं वैरायटी की बात करूँ, जैसे क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है, समर से विंटर सीज़न आ रहा है और फेस्टिव सीज़न आ रहा है, तो वैरायटियाँ तो मुझे दूर दूर से काफ़ी अच्छी दिखी। फुटवेयर्स काफ़ी तरह के थे, ईयरिंग्स, ज्वेलरी और तरह के आए हुए थे मार्केट में। यहाँ पर ये जितने भी सूट सभी आपने देखे, इनका हार्डली प्राइस 300 या 400 रुपए का पूरा सूट था, विथ कुर्तीज एंड बॉटम्स, अपर एंड बॉटम दोनों 300 रुपए में। इसके अलावा मैंने देखा कि वैरायटी तो काफ़ी अच्छी आई हुई थी मार्केट में, बट अगेन बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा रश था, अननेसेसरी तो चलो मैं क्या ही बोलूँ, बट यस बहुत ज़्यादा क्राउड था, इसलिए मैं तो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाई। अंदर जाना मैंने प्रेफर नहीं किया, बट बाहर के एरिया में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की जो पहले नहीं थी। जैसे आप सेक्टर 22 के इनर मार्केट में एंटर करते हैं, मतलब अंदर की ओर और आते हैं, तो जो कॉरिडोर का एरिया है वहाँ पर पहले इट यूज़ टू बी अ लॉट ऑफ फड़ी वाली शॉप्स, जो कि अब नहीं थी। उसके बाद मैंने देखा कि ये सारे पर्टिकुलर फड़ी वेंडर्स को उन्होंने एक अलग से फुटपाथ का एरिया दे दिया है, और इस पर बहुत ज़्यादा रश था, इसलिए मैं तो इस साइड पर गई नहीं। बट अगेन वैरायटी मुझे दूर दूर से काफ़ी दिखी, तो अगर आप जा रहे हैं तो ट्राई आउट कर सकते हैं। इस टाइम पे के दौरान मुझे चीज़ें बहुत रिस्की लगी, इसलिए मैंने तो ज़्यादा देखना पसंद नहीं किया। दूर दूर से, काफ़ी दूर दूर से जितना मैं देख पाई, एक्सप्लोर कर पाई सेक्टर 22 की मार्केट का, शास्त्री मार्केट का, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ऑल इन ऑल स्टफ काफ़ी अच्छा आया हुआ है मार्केट में इस वेडिंग सीज़न, इस फेस्टिव सीज़न। और ओके गाइस, सो फाइनली वी आर आउट फ्रॉम द सेक्टर 22 का मार्केट। रश बहुत ज़्यादा है, आई कुड हार्डली व्लॉग, इतना ज़्यादा रश है। कोई कोरोना या कुछ भी किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं है। सो या वी आर गोइंग बैक टू द कार। ओके गाइस, सो नाउ दैट आई एम बैक इन माय कार, आई वांट टू टॉक ऑन फ्यू थिंग्स, 2 मिनट एंड देन विल रैप दिस व्लॉग। सो सबसे पहले वीकेंड है, सैटरडे संडे, आई वुड नॉट यू नो सजेस्ट यू टू कम ऑन दीज डेज, क्योंकि कोरोना पीरियड अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू कम ऑन सैटरडेज एंड संडेज। अगर ऑप्शन नहीं है देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट इफ यू हैव ऑप्शन एंड इफ यू आर अवेलेबल ऑन वीक डेज, मुझे पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से ऐसा लगता है कि वीक डेज में रश कम होगा। एंड एज फार एज अदर थिंग्स आर कंसर्न्ड, आई वुड हाईली सजेस्ट और रिकमेंड, डोंट ब्रिंग योर बेबीज अलॉन्ग। और आई हैव सीन दैट छोटे छोटे बच्चे थे अंदर। आई नो कि टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है, बट इतना भी नहीं कि हम ऐसी जगह पर, यू नो, इफ यू टॉक अबाउट मॉल्स और समथिंग एल्स देन माइट बी अ डिफरेंट सिनेरियो। वैसे तो मैं अभी मॉल्स में भी नहीं गई हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम था लॉकडाउन के बाद ऐसे कहीं बाहर मार्केट में आना। सो आई डोंट नो मॉल्स की भी क्या सिचुएशन है, मैं अभी मॉल में नहीं गई हूँ। So yeah, these are the few things which I want to talk, and do not, actually buy some eatables or something from there. And what else? So yeah, do take care of yourself. Rush बहुत ज़्यादा था, I could hardly vlog. मैंने कुछ ज़्यादा खरीद भी नहीं पाई, इतना ज़्यादा रश था। मुझे तो ऐसा लग रहा था नॉर्मल डेज से ज़्यादा भी आज रश था। लोग प्रिकॉशंस भी नहीं ले रहे थे, क्योंकि अभी भी कोरोना गया नहीं है पूरा भी, इट्स स्टिल हियर। So yeah, that is it for the video, guys. I hope you enjoyed this vlog. This is the situation after lockdown and during this corona period in sector 22. I think festival hai, Karwa Chauth hai, aane wala hai, and Diwali is here. This could be one of the reason. But अधिकतर भी यहाँ पर इतना rush रहता है, पर आज तो मुझे कुछ ज़्यादा ही rush लगा, पता नहीं क्यों। So yeah, that was it for the video, guys. I hope you enjoyed it. Do let me know in the comment section below. अगर इन दिनों आप यहाँ आए हैं सेक्टर 22 में और आपका कैसा एक्सपीरियंस था? Don't forget to subscribe to my channel. Make sure to hit a big like to this video. And yeah, I shall meet you in my next one. Till then, you take care. Bye bye.